हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के सर्वा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकंड ईयर का क्या यूनिट नंबर सेकंड। फर्स्ट यूनिट फिनिश हो चुका है, सेकंड यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड यूनिट पे पहला टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? तो देखें, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। समझ रहे हैं ना? डिफरेंट इंडिविजुअल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफर हो सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, टीनोफोरा, इसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। प्लेटी हेलमिंथिस में जाएंगे तो बीएससी फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा फ्लेम सेल होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फ्लेम सेल, फिर आप जब चलेंगे उसके ऊपर एस्केल्मिंथिस में तरीनेट सेल्स होता है। एस्केल्मिंथिस में रीनेट सेल्स कंपटीशन में सब पूछे जाते हैं, आपके यहाँ तो इस सबका कोई उपयोग नहीं है। रीनेट सेल्स होता है, RENEET रीनेट सेल्स, एच शेप्ड होता है वो, एच शेप्ड, कैपिटल एच, एच फॉर हैन, हैन मतलब मुर्गी वाला, वो एच शेप्ड होता है। क्या वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन? रीनेट सेल्स, रीनेट सेल्स। और आगे बढ़ेंगे एस्केल एलिनिडा में नेफ्रिडिया होगा, ऊपर बढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा में मालपिगियन टिब्यूल होगा, कॉक्सल ग्लैंड होगा, एंटीरियरी ग्लैंड होगा। मोलस्का में जाएंगे आर्गन अबोजानस होगा, रीनल ऑर्गन होगा। इकोडर्मिटा में जाएंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है ट्यूब फीट होता है, डर्मल ब्रांकियाई, ब्रांकियल ट्री होता है। और ऊपर जाएंगे हेमिकॉर्डेटा में तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है या प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, नाम बोल दे रहे हैं, बाकी यहाँ लिखा रहे होता ही नहीं। और ऊपर जाएंगे हर्डमानिया में, यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड है, न्यूरल ग्लैंड। उसके ऊपर जाएंगे एम्फियोक्सस में प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइड सेल्स है। साइक्लोस्टोम्स में या टेडपोल में जाएंगे तो प्रोटोनेफ्री किडनी है। फिशेज में और एम्फीबिया में जाएंगे तो क्या होगा? फिशेज और एम्फीबिया में मीसोनेफ्री किडनी होगा। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में जाएंगे तो वहाँ पे मेटानेफ्री किडनी होगा। ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन। तो हम लोगों में मेटानेफ्री किडनी होता है, एक पेयर होता है इधर और इधर, इधर और इधर, दो क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। बहरहाल अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो एक्सक्रीशन की मैंने बात बताया। तो एक्सक्रीशन के विषय पहले एक्सक्रीशन का डिफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताऊंगा, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, कौन कौन टेलिक होते हैं, है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर इंडिविजुअल्स को डिवाइड किया गया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर इंडिविजुअल को डिवाइड किया गया है मोस्टली तीन भागों में, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक।
गुआनोटेलिक, तीन ही मेन है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक, स्पष्ट होना चाहिए ना आपको बात। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जलीय। और आपको बता दें अमोनिया 10 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अमोनिया 10 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अमोनिया इज 10 times मोर टॉक्सिक देन यूरिया, 10 times मोर टॉक्सिक देन यूरिया, समझ रहे हैं ना। इसके बाद अमोनिया इजली डिफ्यूजिबल है वाटर में, तो एक्वेटिक इंडिविजुअल मोस्टली अमोनोटेलिक ही होते हैं। दूसरा है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो किसका उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक हो गया। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं जैसे मैमल्स हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, समझ रहे हैं ना, मोस्टली यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंडिविजुअल्स है आप जानते हैं, यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में होता है, और वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन वे इंडिविजुअल करते हैं जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन वे इंडिविजुअल करते हैं जो पानी के क्राइसिस में रहने वाले होते हैं, जो पानी के क्राइसिस में रहने वाले होते हैं, कहाँ रहते हैं, जो वाटर की क्राइसिस में रहने वाले होते हैं, ठीक है ना, वाटर की क्राइसिस में रहने वाले होते हैं। बहरहाल ये तो सामान्य बातें हैं। अब आपको जो बता रहे हैं ये तो हो गया एक्सक्रीशन के विषय में, तो एक्सक्रीशन का डिफिनीशन लिख लीजिए पहले, उसके बाद बताते हैं डिटेल, है कि नहीं भैया, कुल बता देंगे आप सब उड़ जाएगा, क्या मतलब हो गया। एक्सक्रीशन लिखिए, एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस, डिफिनीशन लिख लो एक्सक्रीशन का, डिफिनीशन तो लिखना चाहेंगे ना। कितने लोग सोचते हैं जो लैटिन करते हैं वही एक्सक्रीशन है, नहीं है, वो तो इजेशन है, बहिक्षेपण। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इजेशन। और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। फर्स्ट ऑफ इन ह्यूमन बींग किडनी इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट किडनी इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट
स्वेट ग्लैंड ये देखो एस डब्ल्यू ई ए टी पसीने की ग्रंथि स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड also play important role in in excretion हो गया हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछता है मोनोटेलिक किसे कहते हैं यूरोटेलिक कैसे कहते हैं लिखना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज सेवरल कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं है ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है आप अगर अमोनिया है तो मोनोटेलिक होंगे यूरिया अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरियोटेलिक होंगे यूरिक एसिड अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिकोटेलिक होंगे है ना। तो एक लाइन में आप लिख लें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है डाले है ना नहीं लिखे On the basis of excretory product. Individuals are divided into several categories. Individuals are divided into several categories. पहला अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक वे इंडिविजुअल जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे क्या बोलते हैं अमोनोटेलिक। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड बनता है अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है। अमोनिया जो होता है ये 10 times more toxic होता है देन यूरिया के। ईजिली डिफ्यूजबल होता है वाटर में। दोज इंडिविजुअल्स विच एक्सक्रीट्स अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। अमोनिया इज 100 times more toxic देन यूरिया। अमोनिया इज ईजिली डिफ्यूजबल इन वाटर हेंस मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक इंडिविजुअल्स आर अमोनोटेलिक। अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन इंटू अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड कन्वर्टेड इंटू अमोनिया बाय डीएमिनेशन प्रोसेस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क बोलिए ना। इसके बाद फिर क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ समझ लीजिएगा।
कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं एक्वेटिक होते हुए भी यूरियोटेलिक होते हैं, जैसे इलेस्मोब्रांकाई फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस एक्वेटिक है फिर भी यूरिया निकालती है, क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स हैं किलोन्स हैं ये एक्वेटिक होते हुए भी यूरिया निकालते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद जो है मैं आपको बता रहा था इसमें जो प्रोटोजोअन्स हैं पोरीफेरन्स हैं सिलेंट्रेट्स हैं टीनोफोर्स हैं मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं जैसे क्रस्टेशियन वगैरह हैं इकानोडर्म्स हैं मोलस्कन्स हैं हेमिकॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट्स सिफेलोकॉर्डेट्स साइक्लोस्टोम्स फिशेस वो भी कौन बोनी फिशेस ये सब क्या होती हैं सब अमोनोटेलिक टैडपोल अमोनोटेलिक है मगर उसका बाप उसका उसकी माँ उसके पिता मतलब एडल्ट फ्रॉग और एडल्ट फीमेल फ्रॉग ये क्या होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं केचुआ यूरोटेलिक अमोनोटेलिक दोनों होता है। तो ये सब बात तो आपको जानना पड़ेगा ना जानना ही पड़ेगा तो जानिए लिख लीजिए अमोनोटेलिक किसे कहते हैं लिखिए दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस अमोनिया Those organisms which produces ammonia in form of excretory product, called as ammonotelic. हो गया फुल स्टॉप। अमोनिया इज टेन टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया एंड ईजिली डिफ्यूजिबल ईजी जानते हैं ना ESILY ईजिली डिफ्यूजिबल इन वाटर ईजिली डिफ्यूजिबल इन वाटर hence aquatic individuals excretes their excretory product in form of ammonia हो गया फुलस्टॉप इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड कार्डेट्स After protein metabolism, amino acid converted into ammonia.
कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन बाय प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन विच इज एक्सक्रीटेड आउटसाइड विच इज एक्सक्रीटेड आउटसाइड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। पैरा चेंज करके लिखेंगे प्रोटोजोआ लिख लो PROTOZOA आगे एन लगा दो प्रोटोजोअंस कम पोरीफेरा का आगे एन लगा दो खाली पोरीफेरांस प्रोटोजोअंस कम पोरीफेरांस कम सीलेंट्रेट्स ये जानते हैं ना ये COELENTRATES सीलेंट्रेट्स टीनोफोर्स CTENO टीनोफोर्स ETC excretes their excretory product in form of ammonia through body surface हो गया फुल स्टॉप। एनी लीड्स excretes ammonia with the help of nephridia हो गया with the help of nephridia next point अगला point हो गया ही अगला point हो गया ना भाई फुल स्टॉप उसी में आगे लिखेंगे crustaceans excretes their excretory products crustaceans excretes their excretory products in form of ammonia with the help of antennary gland या इसी को बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड
ग्रीन ग्लैंड हो गया, फुल स्टॉप। मोलस्कंस या मोलस्क्स लिख लो ऐसे, एम ओ डबल एल यू एस सी एस, मोलस्क्स मोलस्क्स। एक्सक्रीट्स दियर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीट्स दियर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मोलस्क्स एक्सक्रीट्स दियर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीट्स दियर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आर्गन ऑफ बुजानस, आर्गन ऑफ बोजानस, या इसी को बोलते रीनल आर्गन, आर्गन ऑफ बुजानस या रीनल आर्गन हो गया, आर्गन ऑफ बुजानस आर रीनल आर्गन फुल स्टॉप। इनिकाइनोडर्म्स, इनिकाइनोडर्म्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। एक्सक्रीटेड बाय ट्यूब फीट फुल स्टॉप। इन हेमिकॉर्डेट्स, खुशाबा लिखेगा, इन हेमिकॉर्डेट्स, इन हेमी कॉर्डेट्स, इन हेमिकॉर्डेट्स अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाई प्रोबोसिस ग्लैंड। ये कंपटीशन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड आर ग्लोमेरुलस, ओ आर ग्लोमेरुलस, प्रोबोसिस ग्लैंड आर ग्लोमेरुलस, प्रोबोसिस ग्लैंड ओ आर ग्लोमेरुलस हो गया फुल स्टॉप। इन ट्यूनिकेट्स अमोनिया इज क्रिएटेड बाय, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय न्यूरल ग्लैंड न्यूरल ग्लैंड न्यूरल ग्लैंड हो गया न्यूरल ग्लैंड फुल स्टॉप। इन सिफेलोकार्डेटा या आप एम्फीऑक्सिस कर सकते हो, या इसका एम्फीऑक्सिस एग्जांपल है, इंसिफेलोकार्डेटा आर एम्फीऑक्सिस। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय प्रोटोनेफ्रिडिया with solenocyte
cells. Protonephridia is secreted by with solenocyte cells. Protonephridia with solenocyte cells. हो गया. सोलेनोसाइट सेल्स. हो गया. अमोनिया एक्सक्रीटेड बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट सेल्स. फुल स्टॉप. इन साइक्लोस्टोम्स एंड टेडपोल. इन साइक्लोस्टोम्स ऐसे साइक्लोस्टोम्स. इन साइक्लोस्टोम्स एंड टेडपोल. टेडपोल. इन साइक्लोस्टोम्स एंड टेडपोल. अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय. अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय किसके द्वारा. अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय प्रोनेफ्रिक किडनी. प्रोनेफ्रिक किडनी. प्रोनेफ्रिक किडनी. फुल स्टॉप. इन बोनिफिसेस. इन बोनिफिसेस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय. अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय मीसोनेफ्रिक किडनी. मीसोनेफ्रिक किडनी. मीसोनेफ्रिक किडनी. ये मोनोटेलिक हो गया. हो गया ना अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला. ठीक. इन बोनिफिसेस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय मीसोनेफ्रिक किडनी. अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय मीसोनेफ्रिक किडनी. ये ख़त्म हो गया. ठीक. अगली हेडिंग डालेंगे यूरियोटेलिक. ये मैं लिख दे रहा हूँ. यहीं पर छोड़ेंगे. फिर कल मेरी मुलाकात होगी. ये यूरियोटेलिक देखिए. यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक यहीं पे छोड़ेंगे. कल हमारी मुलाकात फिर होगी. चलते हैं. बाय.